हेलो भाई, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल केमिस्ट्री फाइव जीतू भाई में। आज हम लेके आए एक नया टॉपिक, चैप्टर लॉज ऑफ मोशन से, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो सुनेंगे ध्यान से और पढ़ेंगे और सीखेंगे। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो बच्चों देखेंगे, चैप्टर है हमारा लॉज ऑफ मोशन और उसका टॉपिक है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक सर्कल बनाए। ये पॉइंट लिया हमने ए, रेडियस कितनी ले ली आर, और एक पॉइंट ले लिया हमने बी, इस पॉइंट तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी आर। टेंशन फोर्स, ये एक पी पॉइंट ले लिया एनी पॉइंट। वेट का एक्ट करता है बच्चों डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेट का एम जी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, राइट। एंगल कितना होगा इसके बीच में थीटा, और ये भी कितना होगा फिर थीटा। तो हमने क्या कंसीडर किया बच्चों, एक सर्कल, क्या कंसीडर किया है एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है आर। रेडियस कितनी लिया हमने आर। कंसीडर आ, सबसे पहले हम मास लेते हैं बॉडी का। कंसीडर आ बॉडी ऑफ मास कितना बच्चों एम, कितना एम। कंसीडर बॉडी ऑफ मास एम, लेट एक बॉडी ली हमने जिसका मास कितना है बच्चों एम, लेट अ वर्टिकल सर्कल, या ये कंसीडर ना करके हम डायरेक्ट इसी पे कंटिन्यू करते हैं। कंसीडर करिए एक बॉडी जिसका मास क्या है एम, मूविंग अलोंग अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, पी बी द पॉइंट, पी बी द पॉइंट, पी एक हमने क्या लिखा बच्चों पॉइंट, मेकिंग एंगल कितना थीटा, मेकिंग एंगल थीटा विद द सेंटर। टेंशन फोर्स कहां लगेगा टुवर्ड द सेंटर टी, लेट टी बी द टेंशन फोर्स, टी बी द टेंशन फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। टी हमने टेंशन फोर्स लिया जो किधर की तरफ एक्ट करेगा बच्चों सेंटर की तरफ। अब इस सर्कल पे जो अलग अलग फोर्स लगेंगे, द वेरियस फोर्सेस एक्ट ऑन द सर्कल। तो बच्चों सबसे पहले तो वेट का एक्ट करेगा इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन, का एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहला वेट mg, वेट mg एक्ट इन किसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेट mg एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा टेंशन फोर्स एक्ट टुवर्ड द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। जो टेंशन फोर्स है वो किधर की तरफ लगेगा बच्चों सर्कल की सेंटर की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ। अब उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे, टेंशन फोर्स ज्यादा होगा या mg cos थीटा ज्यादा होगा। Obviously, टेंशन फोर्स ज्यादा होगा तभी तो बॉडी सर्कुलर पाथ मूव कर रही है, नहीं तो निकल के भाग जाती। तो t minus mg cos theta क्या प्रोवाइड कराएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों mv square upon r, यानी t इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा mg cos theta plus mv square upon r। ये हमने मान ली इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन। अब जो टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स
विल बी मिनिमम टेंशन फोर्स क्या होगा हमारा बच्चों मिनिमम व्हेन कब जब थीटा विल बी मिनिमम थीटा विल बी मिनिमम थीटा विल बी मिनिमम एंड इफ थीटा इज मैक्सिमम अगर थीटा हमारा क्या हो गया मैक्सिमम देन टी इज आल्सो मैक्सिमम देन टेंशन फोर्स इज आल्सो मैक्सिमम टेंशन फोर्स इज आल्सो मैक्सिमम। तो बच्चों नोट कीजिएगा यहां तक और उसके बाद हम बच्चों अब आगे देखते हैं इसके बाद कि टी हमारा मिनिमम कब होगा जब थीटा मिनिमम हो और मैक्सिमम कब होगा जब थीटा हमारा क्या हो मैक्सिमम। तो देखते हैं बच्चों चलिए आगे। अब इसके बाद हमने थीटा लेना है इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो टी हमारा क्या होगा मिनिमम टी हमारा क्या होगा मिनिमम। तो बच्चों हमारी इक्वेशन क्या आई थी टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा और थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे 180 डिग्री और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन कितनी होती है बच्चों माइनस वन। तो ये क्या आ गया हमारा एम जी क्या आ गया हमारा एम जी। अगर थीटा जीरो डिग्री ले लें थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री तो टी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम क्या हो जाएगा मैक्सिमम। और अगर हम जीरो रखते कॉस जीरो कितना होता है वन तो टी इक्वल टू हमारा आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी एम आई राइट ओके। अब इसके बाद अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है ए पॉइंट की टू फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट ए टू फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट ए तो उस केस में हमें टी को क्या रखना पड़ता है बच्चों जीरो। जब टेंशन फोर्स जीरो हो जाएगा तभी बॉडी सर्कुलर पाथ तो मूव करेगी तो टी को हम क्या रखेंगे जीरो। पुट कीजिए यहां पर टी की जगह तो जीरो इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू कितना बच्चों माइनस में एम जी था ना उठा के इधर ले आओ तो एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम से एम कैंसिल जी आर इक्वल टू कितना वी स्क्वायर तो वी इक्वल टू अंडर रूट में कितना आ गया बच्चों हमारा जी आर। ये आ गई हमारी वेलोसिटी सर्कुलर पाथ की वेलोसिटी आ गई सर्कुलर पाथ की। कोई दिक्कत किस पॉइंट पे ए पॉइंट पे किस पॉइंट पे बच्चों ए पॉइंट पे। अब आगे देखेंगे अगर बी पॉइंट पे निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे तो प्लीज आप सब यहां तक नोट कीजिए दिस इज द ये क्या ये हमारी मिनिमम वेलोसिटी पॉइंट ए की दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट ए किस पॉइंट पे ये बच्चों ए पॉइंट पे। अब हम बात करने वाले हैं बी पॉइंट की वेलोसिटी एट पॉइंट बी फिगर में हमने दिखाया था बी पॉइंट वेलोसिटी उस पॉइंट पर निकालेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी होती है देयरफॉर टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी बराबर होगी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एट पॉइंट बच्चों ए तो टोटल एनर्जी बी पॉइंट पे एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम बी बी स्क्वायर बी पॉइंट के लिए हमने क्या लिख दिया बी। अब ए पॉइंट की बात करेंगे तो एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच एम जी और बेटा हाइट की जगह पूरे सर्कल की जो हमारी रेडियस थी वो कितनी थी ये आर और ये आर तो पूरी कितनी हो जाएगी टू आर पूरी कितनी हो जाएगी बच्चों टू आर ओके। अब ध्यान से देखिएगा जरा टू का मल्टीप्लाई एंड टू का डिवाइड क्या मैं पूरे में से टू कॉमन ले सकता हूँ क्या पूरे में से एम कॉमन ले सकता हूँ ओके तो बी वी स्क्वायर इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस जी इन टू में कितना हो गया हमारा फोर आर कितना हो गया। अब आपको पता है जो ए पॉइंट की वेलोसिटी थी वो बराबर होगी किसकी बी सी के और वो कितनी आई है हमारी अंडर रूट में जी आर अंडर रूट में अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो बी वी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों जी आर और ये कितना है फोर जी आर अगर ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया हमारा 5 जी आर
तो बी पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो अंडर रूट में कितनी आ जाएगी बच्चों, 5gr, अंडर रूट में कितनी आ जाएगी बच्चों, 5gr। ये वेलोसिटी हो गई ए पॉइंट की और बी पॉइंट की, एक किसी भी वर्टिकल सर्कल पे, किसी भी वर्टिकल सर्कल पे जब कोई भी पार्टिकल मूव करता है। तो बच्चों ध्यान से सीखिएगा और प्लीज